Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will start with the very first chapter, that is crop production and management. So इस chapter के अंदर हम लोग crop का production किस तरह से किया जाता है और उसको produce करने के दौरान और उसके बाद उसका management किस तरह से किया जाता है ताकि वो फसल खराब ना हो. इस chapter में हम उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. From the very first step till the last step, right? तो सबसे पहले तो बात आती है कि वाई डू वी नीड फूड, हमें क्रॉप प्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ती है. क्रॉप प्रोड्यूस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें क्या मिल सके, उनसे फूड मिल सके. तो फूड की ही जरूरत हमें क्यों है, तो फूड की जरूरत इसलिए है क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज्ड एंड दी वॉर्न आउट टिश्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि फूड से हमें सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिपेयर दी डैमेज्ड टिश्यूज या वॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने के अंदर भी ये हमें क्या हेल्प करते हैं, फूड जो है वो हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनका मैनेजमेंट. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फूड जो है वो किस तरह से हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है, सर्वाइव करने में हमें हेल्प करता है. तो किस तरह से हमें हेल्प करता है फूड, फूड जो है वो हमें सर्वाइवल में भी हेल्प करता है. बहुत सारे तरीके के फूड आइटम्स जो हैं वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल्स से भी मिलते हैं. और हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो एनिमल्स जो रहते हैं दे इंक्लूड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब हमें पता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे प्लांट्स के अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, वी हैव टू डिपेंड अपॉन प्लांट्स और एनिमल्स फॉर आर सर्वाइवल, राइट. तो सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो अब जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हम लोग भी आते हैं, हम अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव टू वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए, कि हम लोग पहले इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं. क्योंकि बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो अगर हम फूड नहीं लेंगे तो ये सारी जो बेसिक एक्टिविटीज हैं हमारे सर्वाइवल के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाए, राइट. वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. हमें जो जो भी हम खाना हम खा रहे हैं वो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और दोनों से भी हमें मिलता है, राइट. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अब छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है एंड इज अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है और सभी की फूड रिक्वायरमेंट्स भी क्या है, ज्यादा है. हमें पता है कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है और उसी के साथ साथ फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ रही है. तो इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉप्स को क्या करना होगा, ज्यादा क्वांटिटी में उगाना होगा. ज्यादा क्वांटिटी में तो हम उगाएंगे ही, लेकिन जो क्रॉप प्लांट्स उग रही है उनका मैनेजमेंट भी देखना होगा, उनको डिजीजेस से बचाना भी होगा ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमाइज हो, और जो इंक्रीजिंग डिमांड्स है पॉपुलेशन की वो भी फुलफिल हो पाए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अब बहुत सारी तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी कंट्री में की जाती हैं. तो जैसे कि अगर हम बात करें टिल 10,000 BCE पीपल जो थे वो नोमैडिक थे, यानी कि नोमैड्स की तरह बिहेव करते थे, यानी कि इधर उधर घूमते रहते थे अपनी फूड की रिक्वायरमेंट में. जैसे कि एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ फूड जो है वो खत्म हो गया, फिर किसी दूसरी लोकेशन पर चले गए, वहाँ खत्म हो गया, फिर किसी तीसरी लोकेशन पर चले गए. तो इस तरह से वो नोमैड्स की तरह बिहेव करते थे और प्लेस टू प्लेस जो है वो घूमते रहते थे फूड और शेल्टर की तलाश में. और वो क्या करते थे, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे, कच्चे जो भी सब्जियां होती थी, फल होते थे, उनको खाते थे, एनिमल्स को हंट करके उसको फूड की तरह कंज्यूम करते थे. लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे उनको किसी भी चीज की जरूरत महसूस हुई, उस तरह से नए नए इन्वेंशंस भी एग्रीकल्चर के फील्ड में होते गए, नए नए टूल्स बने, नए नए एग्रीकल्चर की टेक्निक्स आई,
जो ह्यूमन थे पुराने जमाने में, उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करने के तरीके सीखे, क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, अदर फूड आइटम्स को उन्होंने उगाना सीखा, और इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो इस तरह से एग्रीकल्चर की जब शुरुआत हुई अराउंड 10,000 BCE, तो उस टाइम के जो टूल्स और टेक्निक्स थी वो काफी अलग थी। अब आज जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो बहुत ही मॉडर्नाइज टेक्निक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन एक तो ज्यादा होता ही है, प्लस हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज होने से भी बच जाती है। यानी कि एक लिमिटेड लैंड में ही हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया जो है, हमें पता है कि इट इज प्रोडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और इकोनॉमी भी हमारी टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड। प्लांट्स जो है वो मेजर फूड सोर्स है, हमें पता है, जूनियर क्लासेस भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं इसको। और प्लांट्स जो है उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही जो है वो हमारी इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसीलिए फार्मर्स जो है वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि सीरियल्स हुए, वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुए, और भी बहुत सारे तरीके के वो एग्रीकल्चर में नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा उनको प्रॉफिट भी होगा। तो अलग अलग तरह के जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को प्लांट करते हैं, जैसे कि कुछ सीरियल्स हैं, कुछ पल्सेस उगाते हैं, कुछ ऑयल क्रॉप्स करते हैं, कुछ फाइबर क्रॉप्स करते हैं, एंड सो ऑन। अलग अलग फार्मर्स अपने अलग अलग खेतों के अकॉर्डिंग, खेत में किस तरह की मिट्टी है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्रॉप्स की कल्टीवेशन जो है वो होती है। अब क्योंकि सभी अलग अलग क्रॉप्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि गेहूं की क्रॉप को कुछ और रिक्वायरमेंट है, मिट्टी उसके लिए कुछ अलग तरीके की चाहिए, चावल के लिए कुछ अलग तरीके की मिट्टी चाहिए, और पानी उसको बहुत ज्यादा चाहिए, गेहूं को कंपैरेटिवली थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। अलग अलग तरह की जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको रिक्वायर्ड होती है अपनी ग्रोथ और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के। तो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी सीजन में कौन सी कल्टीवेशन की जानी चाहिए। तो फार्मर्स को बेसिकली इन सारी चीजों की नॉलेज होती है, उसी अकॉर्डिंग वो अपने खेत पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाते हैं। वो एक साल में अपने क्रॉप, अपने खेत पर दो या दो से ज्यादा भी क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर लेते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो ये था अभी बेसिक जो लेआउट था इस चैप्टर का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। चलिए, अब डिपेंडिंग अपॉन सीजन, यानी कि सीजन कौन सा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं वो दो तरीके की होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप और दूसरी होती है रबी क्रॉप। तीसरी भी कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स, राइट। अभी खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनकी सोइंग हम लोग क्या करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि बारिश वाला जब सीजन आने वाला होता है तो जिन उन क्रॉप्स की हम लोग सोइंग तब करते हैं, और अक्रॉस इंडिया इसको रेनी सीजन में ही इसकी कल्टीवेशन की जाती है। रेनी सीजन जो होता है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो जून से स्टार्ट होकर आपको पता है कि सितंबर तक चलता है, तो इसी दौरान खरीफ क्रॉप्स की सोई की जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सारी की सारी क्या हुई, खरीफ क्रॉप हुई। खरीफ क्रॉप क्यों बोला हमने इनको, क्योंकि इन क्रॉप्स की जो सोइंग है, इनका जो बीज जो बोया जाता है वो रेनी सीजन में बोया जाता है, राइट। देन आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्रॉप्स की जो सोइंग होती है, उनको जो ग्रो किया जाता है, उनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो विंटर सीजन हमारे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है रफली। तो वो क्रॉप्स जिनकी सोइंग हम लोग अक्टूबर से मार्च तक करते हैं, उन टाइप की क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। जैसे कि एग्जाम्पल है वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड ऑयल है, तो ये सारी की सारी क्रॉप्स क्या हुई, रबी क्रॉप्स, जिनकी सोइंग हमने कब की, विंटर्स के दौरान, यानी कि अक्टूबर से मार्च के दौरान, राइट। देन आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होती है, वो क्रॉप्स जिनकी सोइंग हम लोग करते हैं मार्च के अंदर, और हार्वेस्टिंग हम लोग यानी कि क्रॉप्स को काट लेते हैं हम लोग जून तक। तो मार्च से लेकर जून तक उनकी सोइंग और उनकी हार्वेस्टिंग दोनों हो जाती है, तो उन टाइप की क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप। जैसे कि मस्क मेलन, तो मस्क मेलन जो होता है, खरबूजा जिसको हम बोलते हैं,
देन तरबूज, वाटरमेलन, कुकम्बर यानी कि खीरा, और दूसरी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग मार्च से लेकर जून तक, सोइंग से लेकर उनका हार्वेस्टिंग तक हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो इन टाइप की क्रॉप्स को हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। इसके अलावा हम लोग पल्सेज हैं बहुत सारी ऐसी, और वेजिटेबल्स हैं जिनको हम लोग समर्स के टाइम पर ही ग्रो करते हैं बहुत सारी। तो जायद क्रॉप्स हम लोग मोस्टली कब ग्रो करते हैं? समर्स के दौरान, मार्च से जून तक, राइट। देन आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन हम लोग करेंगे उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी कि फार्मर्स किस स्टेप को पहले करते हैं, उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग, जैसे फार्मर्स जिन जिन स्टेप्स को यूज करते हैं उसी उन्हीं स्टेप्स को हम लोग स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन और उसकी हार्वेस्टिंग और उसका स्टोरेज तक किस तरह से उसको किया जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं फार्मर्स जो हैं क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान अंडरटेक करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इस दौरान, और बहुत सारी तरीके की वो कल्टीवेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। तो कल्टीवेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग अलग फार्मर्स जो हैं वो जैसे गार्डनर है वो अलग टेक्निक यूज़ करता है, फार्मर जो है वो अलग तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करता है क्रॉप प्लांट्स को उगाने के लिए। अब बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के भी होते हैं, जैसे कई फूड प्लांट्स होते हैं, कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो उनका ग्रोइंग सीजन अलग है, उनको अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लांट हम लोग उगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया है। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सिर्फ बेसिक टेक्निक्स को पढ़ेंगे कि बेसिक क्रॉप प्लांट्स को उगाने के लिए हम लोग किन किन टेक्निक्स को या किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं या जो टास्क हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के दौरान यानी कि खेती बाड़ी के दौरान, इन सारी प्रैक्टिसेस को या इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच द फार्मर अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स। इनमें से जो एक्टिविटीज हैं उनको स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है फार्मर के द्वारा कि सॉइल से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सके। फिर होता है सोइंग, यानी कि बिजाई का जो काम होता है उसको बोलते हैं सोइंग। आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, बीज भी बो दिया, अब बीज को खाना खाने के लिए चाहिएगा, तो वो किस फॉर्म में देते हैं? वो हम देते हैं उसको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की, राइट। देन आता है अब आपने खाना दे दिया, अब उसको पानी भी चाहिएगा सीड को, तो पानी किससे दिया आपने? इरिगेशन से। इरिगेशन यानी कि सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब आपने उसको खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं जो कि सीड को खराब कर सकते हैं, तो उससे भी क्रॉप प्लांट्स को बचाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? वीडिसाइड्स यूज करते हैं या बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जो कि ऑल्दो हमारे लिए हार्मफुल हैं बट क्रॉप प्लांट्स को डैमेज से होने से बचा सकते हैं। फाइनली अब हमारी क्रॉप जो है पककर तैयार हो गई है, अब हम उसका क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई करेंगे, और लास्ट में फसल की कटाई करने के बाद उसमें से जो ग्रेन हम लोगों ने लिया उसकी क्या की जाती है? स्टोरेज की जाती है, यानी कि उसको किसी गोडाउन में या गोदाम में उनको स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर यूज हम लोग उससे ले सकें। तो अब सबसे पहले हमने जो स्टेप देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसको ही हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? आपने देखा होगा किसान जो है, फार्मर जो है, ही यूज टू प्लो द फील्ड। वो क्या करता है? प्लोइंग करता है फील्ड में। तो प्लोइंग क्यों की जाती है? तो प्लोइंग इसलिए की जाती है क्योंकि सॉइल जो है वो एक नेचुरल मीडियम है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कोई हवा में तो हम उगा नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक नेचुरल मीडियम, और वो नेचुरल मीडियम क्या है? सॉइल। सॉइल को प्लांट्स को उगाने के लिए हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल से हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और सॉइल में प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं तो सॉइल से ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों ने प्लांट को लिया या सीड को लिया, हम लोगों ने सॉइल में उसकी सोइंग कर, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम लोग? सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम उसके उसके अंदर क्या करते हैं? प्लोइंग करेंगे, यानी कि खेत में जुताई का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग वुडन या आयरन का टूल यूज करते हैं।
वुडन यानी कि लकड़ी का या आयरन यानी कि लोहे से बना हुआ हम लोग टूल यूज करते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं फावड़ा, या आप जो अपने टर्म में यूज करना चाहें उसको बोल सकते हैं। और उससे क्या होता है, सॉइल की जब खुदाई की जाती है तो उस सॉइल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एयर जो होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है और सॉइल का जो एरेशन है यानी कि हवादार हो जाती है सॉइल, और जिससे सॉइल के अंदर एयर जाती है और जो सॉइल है वो हल्की भी हो जाती है, और उससे वहां पर अर्थ वॉर्म्स जैसे कि जो कि क्रॉप के रिक्वायरमेंट, क्रॉप को ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं, लिपिड्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे के सारे जो कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं और जो क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वहां पर उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल में एरेशन हो गया, एयर चली गई। अब अर्थ वॉर्म जिसको हम बोलते हैं फार्मर के फ्रेंड, अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स। अब क्यों क्यों बोलते हैं हम फार्मर फ्रेंड्स, बिकॉज उनका जो एक्सक्रीटा होता है यानी कि उनका जो वेस्ट होता है ना, वो जो होता है वो मैन्योर के तौर पर काम में लिया जाता है। अब जो आपको पता है कि अर्थवर्म्स क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, या जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको खाते हैं, उनको खाने के बाद उनके सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, उनका जो एक्सक्रीटा उनमें से जो निकलता है दैट इज वेरी मच रिच इन मिनरल्स, बहुत ज्यादा रिच होता है मिनरल्स में, और वही मिनरल्स जब सॉइल के अंदर वापस जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड्स, राइट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और भी आपने पढ़ा होगा बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर एंड एयर है, जब हम फ्लोइंग करते हैं तो इनकी क्वांटिटी भी क्या करती है, बढ़ जाती है। Type, the type oil soil consciously approximates 45% minerals, यानि कि soil के अंदर 45% minerals होते हैं, 5% आपको organic matter देखने को मिलेगा, 20-30% water देखने को मिलेगा और 30% उसके अंदर क्या होती है, air होती है। Soil organisms जो होते हैं वो decompose करते हैं dead plants और animals को, जैसे मैंने अभी आपको earthworm के बारे में बताया था, और nutrients produce करते हैं इन्हीं dead organisms में, और वो क्या करते हैं वापस मिट्टी में चले जाते हैं, और मिट्टी में जाने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, टॉप सॉइल, उसके हॉराइजन होते हैं, ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, बेड रॉक, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने जितने क्लासेस में इनको पढ़ा भी होगा। तो सॉइल जो होता है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन उसकी जो टॉप सॉइल होती है ना अर्थ की, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवा, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो कराने में। और उसके लिए जो टॉप सॉइल होती है ना, जो टेबल तो होती है ग्रो कराने के लिए, लेकिन उसको भी हमें सॉफ्ट बनाना पड़ता है, कभी कभार वो हार्ड हो जाती है, तो हार्ड सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, उसको पोरस बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर एयर अच्छे से चली जाए, वाटर अच्छे से चला जाए, तो हम उसकी क्या करते हैं, फ्लोइंग करते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉप लेयर होती है इसी के अंदर हमारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं, रूट्स भी इसी लेयर के अंदर बनती हैं और प्लांट्स भी इसी लेयर के अंदर ग्रो करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मिलीपीड्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, सेंटीपीड्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई भी इसी लेयर में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और जो टॉप सॉइल होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो कराने में, उनके सर्वाइवल में, और इनडायरेक्टली हमारे सर्वाइवल में भी वो हेल्प करते हैं। और इस तरह से फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सॉइल को प्रिपेयर किया, उसकी लूजनिंग की, सॉइल को लूज किया जो कि हार्ड थी, और टर्निंग की यानी कि मिट्टी को अपसाइड डाउन किया, जिससे उसके अंदर एरेशन चला जाए, हवा चली जाए, और हवा की हेल्प से वहां पर पानी भी चला जाए, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर सॉइल ड्राई होगी तो क्या होगा, उसको हमें बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ेगी फ्लोइंग से पहले, राइट। तो हमें क्या करनी चाहिए, पहले ही उसकी फ्लोइंग कर देनी। और बिग क्लम्प्स जो होते हैं, अगर आप बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े हैं वहां पर अगर आप क्रॉप प्लांट्स को उगाना चाहोगे तो वो उग नहीं पाएंगे, इसलिए पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, वहां पर फ्लोइंग करनी। तो छोटे छोटे या जो बड़े बड़े क्रम्स हैं, बड़े बड़े जो क्लम्प्स हैं उनको हमें छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में उसको हमें तोड़ना पड़ता है, सो दैट अच्छे से हमारी सीड की सोइंग हो पाए। तो इस तरह से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने के दौरान हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, तो सॉइल का जो जो एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्लोइंग के दौरान या दूसरे एक्टिविटीज के दौरान,
तो उसमें से कुछ आ जाते हैं, जैसे कि फ्लो है, वो है, कल्टीवेटर्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लो के बारे में, यानी कि हल के बारे में। तो हम हिंदी में फ्लो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हल। तो हल क्या होता है कि एक लार्ज फार्मिंग इक्विपमेंट है, और ये किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, और इसको या तो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, यानी कि फार्मर या तो खुद उसको चलाता है, या इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि जो बैल होते हैं वो हल को खींचते हैं और कल्टीवेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है और हमें सीड्स की सोइंग करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल शेप का, जैसे कि पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये क्या होता है, हल होता है। तो या तो किसान खुद उसको चलाए या पेयर ऑफ बुल्स जो है उसको यूज किया जाता है हल को खींचने के लिए। तो इसके अंदर ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको हम फ्लो शेयर बोलते हैं। मेन पार्ट जो होता है फ्लो का वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, जैसे कि ये क्या है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, राइट, और जिसको हम बोलते हैं फ्लो शाफ्ट, इसको हमने क्या बोला, फ्लो शाफ्ट, इसको फ्लो शाफ्ट बोला जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और इसके एंड पर एक हैंडल भी होता है। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. और ये जो होता है ये एक portion होता है जो कि bull की neck पर attached होता है, ये पूरा एक हल का ही एक part है, right? One pair of bull and a man can easily operate the plow. तो इस तरह से एक pair of bull या और एक साथ में एक आदमी जो है वो operate करने के काम में आता है, ताकि एक balance बन जाए और इस तरह से खेती क्या हो जाए, flowing हो जाए, soil loose हो जाए, उसके अंदर aeration। बिग क्लम्प्स जो हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएं, ताकि सोइंग आसानी से हो। वुडन प्लो इज ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड इट हैज वेज शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ वुड। तो वेज शेप यानी कि पैने होते हैं इसके, जो नीचे एंड जो होता है वो क्या होता है, पैना होता है, जिससे या तीखा होता है, जिससे प्लोइंग करने में आसानी होती है। और अब आजकल तो वुडन प्लो को यूज नहीं किया जाता, आयरन प्लो को बेसिकली यूज किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। देन आता है हो। हो भी एक तरह का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, इसको हम लोग लूजनिंग के काम में लेते हैं और वीड्स को रिमूव करने के काम में लेते हैं। अब ये वीड्स क्या होती हैं, वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स के साथ उग कर क्रॉप प्लांट्स के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं अपने खाने के लिए। तो वो अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स, जिसको हिंदी में खरपतवार भी बोला जाता है। तो एक सिंपल सा टूल होता है, इसके अंदर एक लॉन्ग वुड होती है, ये लॉन्ग ब्लॉक होता है, ये वुड से भी बना हो सकता है, आयरन से भी बना हो सकता है, जो कि एक एंड से बेंट होता है, आयरन से फिक्स होता है, और ये इसका एक दूसरा पार्ट है, और ये एक तरह से चाकू का काम करता है। चाकू हम किसी चीज को छीलने के काम में लेते हैं, वैसे ये जो पार्ट है ये क्या करता है, चाकू का काम करता है और मिट्टी को जो है लूज करने का काम करता है। ये भी, इसको भी चलाने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता है, मोस्टली बैल का ही यूज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से ये एक व्यू था, ये दूसरा व्यू है हो का, राइट। फिर आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है एक मैकेनिकल इम्प्लीमेंट होता है जो कि हम लोग सॉइल की रोलिंग में, सॉइल की लूजनिंग में यूज करते हैं, प्लस वीड्स को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नाउडेज लार्ज फील्ड्स जो होते हैं, बड़े बड़े खेत जो होते हैं, गार्डन जो होते हैं, वहां पर प्लोइंग यूज की जाती है, वहां पर प्लोइंग के लिए हम लोग बेसिकली कल्टीवेटर्स को यूज किए जाते हैं, और ट्रैक्टर्स जो है उनकी हेल्प से कल्टीवेटर को यूज किया जाता है, जिससे टाइम भी सेव होती है और लेबर भी सेव होती है, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट स्टेप है जो कि है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोइंग टॉपिक से स्टार्ट करें।